वेकेशन की छुट्टी, इसलिए वो मेरी हेल्प करवा रही। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय होने वाला, बस 11:30 बज चुके हैं, सूरज निकल गया, तो फिर इसीलिए मैंने कपड़े भी धो दिए। मैं कहा चलो सूख जाएंगे कपड़े, तो अच्छी सी धूप निकल रही, क्योंकि कई बार ऐसा हो जा कि बारिश भी हो जाती है, फिर कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते, तो मौसम के हिसाब से ही मैं धो देती हूँ ज़्यादातर कपड़े। और मैंने फैला दिए, ज़्यादा तो थे नहीं, थोड़े ही थे आज कपड़े। और बच्चों की चल रही थी क्लास, बच्चे भी ऊपर आ गए थे। ये रे गुड्डू होगी क्लास, गुड्डू की तो होगी, और ईशु की कितनी हुई? अभी तो मेरी तीन ही हुई, दो और है। तीन होगी ईशु की, ईशु की ज्यादा होती है, पांच क्लास होती है, और गुड्डू की दो ही होती है तेरी? दो नहीं, तीन, तीन होती है, गुड्डू की हो चुकी है। तो मैं इनको जब धूप निकलती है ऊपर ही बिठा देती हूँ, क्या धूप में ही कर लो बैठ के, क्योंकि धूप में विटामिन डी भी मिलेगा और अच्छा भी रहता है। नीचे ना ठंड लगती है, चाहे धूप भी हो रही कितनी तेज भी, लेकिन फिर भी नीचे ना ठिड़े से रहते हैं। तो मैं भी आ गई ऊपर, अब थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करूँगी, धूप का आनंद लूँगी, और फिर चलूँगी नीचे अपना काम वगैरह करूँगी। और देखे सबके छतों पर कपड़े ही कपड़े दिखेंगे, जिस दिन धूप निकलती है ना तो सबकी छतों पर कपड़े फैले रहते हैं। और यहाँ हमारे घर के सामने एक छोटा सा बच्चा आया है, और वो ना इस टाइम इतना रोता है बहुत ज़्यादा, जब भी हम ऊपर आते हैं बहुत रोया, और हम यूँ सोचो जाऊँगा वो कितना रो रहा। लेकिन भाई देखो, सबके अपने अपने काम भी देखती हैं, उसकी मम्मा और फिर उसे भी संभालती है, और छोटा सा 6-7 महीने का बच्चा ही है, और बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा। ईशु चल गई क्लास? तो जी खैर, मैं भी धूप सेक लूँ थोड़ी देर, फिर चलूँगी नीचे अपना खाना वगैरह की करूँगी तैयारी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो देखे दोस्तों, हम हो लिए सारे तैयार, और तैयार हो लिए कहाँ जाने के लिए? दावत में। दावत एक जगह से ही आकर हमारी ज़्यादातर इंदू के वहाँ से। तो इंदू का अभी फोन आया था, उसने कुछ स्पेशल बना रखा, तो इंदू के यहाँ पर जा रहे सारे के सारे। आंसू गुड्डू ये भी तैयार हो लिए सारे के सारे। कितना टाइम और तो लेकर नहीं जाते हैं, बस हम क्या करें भाई, आ जा यहाँ दावत खा ले, और हम आ जाके उसी में ही खुश हो जाए। ये तो कहीं हमें लेकर जाते नहीं, पूरी छुट्टियां बिता दी, बच्चों ने भी कह के कि पापा कहीं लेकर चलो लेकर चलो, इनका नहीं है जुगाड़ बिल्कुल भी। झूठ ना बोल ले, पिछले साल शिमला लेकर गया था, अभी भी यहाँ में लेकर गया था, उससे पहले दो फिर गाँव में लेकर गया। अरे अब क्या चल रहा, 2021 और 2 में ज्यादा फर्क नहीं है, T3 में ठीक है। तो भाई मेरा तो मन बहुत कर रहा है इसे स्विट्जरलैंड घुमा लाऊं, पर मेरी जेब अलाउ नहीं करती, मेरी जेब मना कर दे। और क्या हो वो स्विट्जरलैंड? हाँ स्विट्जरलैंड होता होगा, मुझे क्या पता, मुझे तो स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड। हाँ चलो जो भी है, तो मैं तो इसे पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाऊं, पर मेरी जेब जो है मना कर दे, ना यही बैठा रहो घर ही। तो ये चलते हैं इंदू की तरफ, उसने कुछ स्पेशल बना रखा, देखते हैं क्या है। हम आ गए थे जी इधर, और यहाँ देखिए हमारी चल रही है पार्टी, भोजन ग्रहण कर रहे हैं सब बैठे हैं, और आज इंदू ने बना रखे हैं कढ़ी चावल स्पेशल। और कढ़ी चावल पता ही आपको हमें बहुत पसंद है, सभी को ही, पूरी फैमिली को, और बस सबको दे दिया खाना, सब खा रहे हैं, मैं भी खा लेती हूँ। कैसी बन गई कढ़ी? बढ़िया। हम आ गए थे जी इधर, और बस आके अपने लगते हैं काम पे, तो लगभग 4:15 का टाइम हो गया, थोड़ी देर पहले खाना खाया, फिर बैठे बातें करी, चाय वगैरह पी के ही आए अभी। तो अब आगे अब करते हैं अपना काम, सबसे पहले उतारेंगे कपड़े, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया, और गुड्डू ने उतारने शुरू कर दिया, दिखा दूँ आपको। ये गुड्डू उतारने लगी है मेरे से पहले आके कपड़े, और आज गुड्डू की ट्यूशन की छुट्टी, इसलिए वो मेरी हेल्प करवा रही है ना, तो ये सारे कपड़े उतार के रख देगी, और मैं बस अभी थोड़े से उधर भी पड़े, सूख गए वैसे आज कपड़े अच्छे, और अब थोड़ा सा मौसम ना बादल सा हो गया, ऐसा हो रहा जैसा बादल हो जा, यही रख दे बेटा चेयर पे,
यहाँ बस कपड़े ले आए थे हम दोनों माँ बेटी नीचे उतार के, और बस अब मैं बनाने लगी हूँ तय, और गुड्डू अपना पढ़ाई करने लगी है क्योंकि होमवर्क भी उसका बहुत हो जाता है, और बच्चे भी पीरुई और कृष्णा भी आ गए थे ट्यूशन से, तो वो एक लगे हैं खेलने के लिए, और बस मैं लग रही हूँ अपने काम पे। और कपड़े जो प्रेस के, अब तो कमी होते हैं सर्दियों के टाइम में कपड़े, तो यहाँ मैं वो निकाल दूंगी, बाद में कर लूंगी जब भी टाइम लगेगा, और जो बिना प्रेस के वो सारे लगा दूंगी। तय कपड़े वगैरह मैंने रख दिए हैं सारे तय लगा के सब अलमीरा में, जहाँ पे भी रखने थे। अब उसके बाद मैं करूंगी ये देखिए सोफों की तैयारी सेट करने की, और वो किस लिए यह भी आपको बता देती हूँ, किसके आने की हो रही है तैयारी। क्योंकि मैंने पहले तो मैंने सोचा था मैं एक दो दिन बेडशीट पड़ी रहेगी तो कोई बात नहीं ऐसे ही रहने दूंगी, लेकिन फिर यहाँ पे आने की है तैयारी आज किसी के, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आज आने लग रहा है मेरा भाई, और यहाँ बस मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ। और अभी अभी मम्मी का फोन आया, भाई ने तो नहीं बताया था, वो चल भी दिया होगा दोपहर के टाइम, उसने वो ऐसे ही जब भी उसको लगता है ना बड़े वाले भाई को, वो घर आया हुआ था, तो जब भी उसे कभी भी लगता है कि मुझे जाना है वो अचानक से ही चल देता है, ये नहीं है कि वो उसका पहला प्रोग्राम नहीं बनता कि जाना, लेकिन जब उसका मन करता है कभी भी वो फट से चल देता है। तो मम्मी ने अभी बताया कि शेखर आने लग रहा, बड़े वाले भाई का नाम मेरे शेखर है, वो चल दिया था 2:30 बजे और अब पहुंच जाएगा, और बल्कि अब शाम का टाइम है, लगभग 5:30 बज चुके थे। तो यहाँ बस फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, देख लो मतलब अच्छा भी नहीं लगता ऐसे ही, हम भले ही है तो घर का, ये तो है नहीं कि ना, आपने पहले भी देखा होगा जो मेरे घर के सभी बिल्कुल सिंपल साधारण से हैं, और आपने हमारे घर भी जाकर देखा होगा, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं चलो कोई भी आता है अपनी तरफ से तो थोड़ी तैयारी करनी होती है। तो मैंने ये कवर इसके धोके रखे थे कल, कल परसों के धुले हुए थे, और बेडशीट ही डाल रखी थी, मैं चलो बाद में डाल दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो इन्हें डाल देती हूँ, अच्छा सा लगेगा थोड़ा सा अपना भी एक मतलब अलग सा ही लगता है, अच्छा लगता है कि कोई आता है हम थोड़ी सी तैयारी करें। और आज तो काफी दिन में आएगा मेरा भाई, लगभग 7-8 महीने हो चुके होंगे, शायद होली के टाइम ही आया था, उसके बाद नहीं आया, शायद उससे भी पहले ही, और काफी दिन हो गए। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, और अचानक से ही पता चला तो और भी ज्यादा खुशी होती है। तो यहाँ बस मैंने सेटिंग वगैरह कर दी, पूरा घर सेट कर दिया, अब उसके बाद लगी हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। और यहाँ खाने में मैं बना रही हूँ दाल, जो उड़द की दाल होती है वो, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पे दाल ज्यादा पसंद करते हैं, और जो मेरे मायके में ज्यादातर दाल ही खाते हैं वो भी उड़द की, एक टाइम हमारे यहाँ दाल जरूर बनती है। और अगर पहले मुझे पता होता तो मैं कुछ जैसा राजमा छोले वगैरह भिगो भी देती, लेकिन फिर जब मतलब अभी पता चला तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, और अगर साथ साथ बनाती वो इतने अच्छे से नहीं बन पाते, तो यहाँ मैंने सोचा चलो दाल ही बना दूंगी क्योंकि उसको पसंद भी है दाल भी, तो वो मैंने रख दी उबलने के लिए। और अब मैं काटने लगी हूँ शिमला मिर्च, शिमला मिर्च भी मेरे पास 2 पड़ी थी, मैंने मंगाया तो कुछ नहीं, तो जो था वो ही बना लिया साथ साथ ही, और यहाँ 2 शिमला मिर्च भी थी, और भाई को शिमला मिर्च भी पसंद है बड़े वाले को बहुत, तो मैंने सोचा चलो जो ये रखी है तो यही जो भी है मेरे पास उसी को ही मैं बना दूंगी, बाकी कल अभी देखती हूँ रहेगा या नहीं रहेगा एक दो दिन, तो उसी हिसाब से कल जो कहेगा वो बना दूंगी। और वैसे तो पनीर वगैरह भी मैं बना देती, लेकिन पनीर भाई मेरा खाता नहीं, जो ये भाई है बड़े वाला, है तो ये मुझसे ही छोटा है, लेकिन मतलब मेरे 2 भाई है और ये बड़े वाला है इसमें, और मैं हम 4 बहन भाई हैं, मैं बड़ी हूँ सबसे, फिर मेरे से छोटा ये भाई है जो आएगा आज, और फिर इंदु है, और फिर छोटे वाला भाई है, हम 4 बहन भाई, 2 भाई 2 बहन है। तो यहाँ बस दाल मैंने उबाल दी थी, अब उसमें लगा दूंगी तड़का, और तड़का मैंने प्याज वगैरह अच्छे से भून ली है, और बस उसमें टमाटर डाल के अच्छे से वो भी भून लिया, नमक मिर्च मसाले डाल के, और फिर डालती है दाल, और दाल बिल्कुल येल्लो ही बनाई है, थोड़ी सी आज काली, वैसे मैं मिला लेती हूँ काली दाल जो छिलके वाली होती
होती है, लेकिन आज वो भी नहीं थी मेरे पास। तो गुड्डू यूं कह रही थी कि मम्मा आज तो ये बिल्कुल आपने पीली पीली सी बना दी, वरना तो थोड़ा सा काली दाल डाल दूं ना तो ऐसी हो जाती है जैसी घर की दाल हो, और हमारे यहाँ तो ज्यादातर घर की दाल होती है, वो थोड़ी सी जैसा घर में ही छड़ते हैं तो उस पर छिलका रह जाता है, तो वो बिल्कुल ऐसी लगती है। अगर उसमें थोड़ी सी काली दाल मिला देती हूँ तो घर जैसी हो जाती है। तो दाल में मैंने तड़का लगा दिया, दाल हमारी तैयार होगी। अब मैंने शिमला मिर्च में भी तड़का लगा दिया, वो भी सिंपल सा ही, बस हल्का सा आधा टमाटर डाल दिया, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी है वो, थोड़ी बनाऊंगी, क्योंकि दो सब्जी हो जाती है फिर बहुत ज्यादा बच जाती है, ज्यादा कोई इतनी खाता नहीं। दाल भी है और चावल मैंने बनाए नहीं, मैं क्या शाम के टाइम चावल ठंडे होते हैं तो सुबह ही कल बना दूंगी। तो यहाँ बस देखिए तड़का लगा दिया मिर्च वगैरह डाल के, अब उसमें जो भी मसाले थे डाल के उसके बाद आलू मिक्स कर दिया, और इसमें मुश्किल से एक ही सिटी लगवाऊंगी, फिर मैं खोल दूंगी, फिर इसको खुली भून दूंगी, हल्की सी बॉईल सी होएगी तभी मैं खोल के इसको भून दूंगी, तब अच्छी बनती है। देखिए केक पीस बन रहा जैसा कि कढ़ाई में बनती है, तो सब्जी भी बन गई और दाल भी हमारी बन के तैयार होगी। देखिए मैंने खाना बना के तैयार कर दिया, ये बनाई है दाल, ये देखिए पता नहीं टेस्ट करके तो अभी देखी नहीं किसी ने, लेकिन देखने से तो अच्छी लग रही, मैंने तो अपने उससे अच्छी बनाई, ये दाल बना दी उड़द की, और दोनों चीजें उसी की पसंद की बनाई, दाल उसको पसंद है और ये है सब्जी शिमला मिर्च की, ये भी शिमला मिर्च की सब्जी भी उसे पसंद है तो, और ये मैंने आटा बना के रख दिया और अभी तक नहीं आया भाई, तो जब आ जाएगा तभी मैं रोटी बना के दूंगी, तो तब तक करते हैं वेट। हुई कैसे कर सब बात, अच्छा तो इनकी बात हुई होगी तो पहुंचने वाला है यूँ कह रहे, और बस मैं थोड़ा सा और तैयारी कर लूँ अपनी, जो भी है बर्तन वगैरह पानी भूनी गर्म करना वो सारा मैं कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए भाई आ गया है, और ठंड हो गई है बहुत, लगभग 8 ही बज चुके थे शाम के, लेट ही हो गया था क्योंकि ट्रेन से आया था, फिर दूर भी पड़ता है, सहारनपुर से ट्रेन लेनी पड़ती है और काफी दूर पड़ जाता है और ठंड का मौसम है, तो मैं इसको बोल भी रही थी, मैंने कहा जब आना था सुबह के टाइम आता और बताया भी नहीं, तो कहने लगा बस मेरा मन जब करा मैं जब ही चल दिया। और बस यहाँ देखिए मैं पानी वगैरह दे रही हूँ, अभी अभी आया है भाई, तो यहाँ सब बैठे हैं, नीरज भैया भी, सब बच्चे भी सारे हैं और ये भी, तो यहाँ बस सबकी भी बातें भी चल रही, थोड़ी देर बैठे भी सब, और खाना तो मैंने बना ही रखा, रोटी रोटी बनानी है, तो थोड़ी देर बैठे बात करी बस, उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी खाना, और खाने में मैंने एक ही रोटी बनाई थी तभी हो गया मेरा आज सिलेंडर खत्म। सिलेंडर ज्यादातर ऐसे टाइम पे ही धोखा देता जब कोई आता है या फिर जब कोई जरूरी काम करते हुए ऐसे टाइम पे होता है कि इस टाइम बहुत बिजी भी होते हैं, जरूरत होती है और वो खत्म होकर बैठ जाता है, तो यहाँ इसके पापा ने चेंज कर दिया है सिलेंडर, अब उसके बाद बस मैं बना दूंगी रोटी, और गुड्डू ने लगा दिया है खाना, अचार वगैरह सारा मैंने निकाल के रख दिया था, सारी तैयारी कर दी थी, और उसके बाद बस फिर गुड्डू लगा देगी और ये सब खा लेंगे खाना। और गुड्डू आपको बता दूं काफी हेल्प करती है मेरी, ये नहीं है कि करती नहीं, जैसे कोई आता है तब ज्यादा कर देती है, क्योंकि देखो रोटी बनाना लगाना फिर देना तो थोड़ा सा ज्यादा काम बढ़ जाता है, और वो अच्छे से वो ये सब खाना खुना देना बहुत अच्छे से कर लेती है। तो यहाँ पे बस उसने सबको दे दिया खाना, अपने पापा को भी और अपने मामा जी को भी, फिर मैंने कन्हैया को बोल दिया, मैं कहा भाई तू भी खा ले गरम गरम, बस साथ साथ ही खा लेंगे, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है जैसे बना के रख देते हैं तो ठंडी हो जाती है रोटी। और यहाँ देखिए बस इनका टीवी भी देख रहे हैं तीनों, और अपना खाना भी चल रहा है, और मैं बनाती जा रही, गुड्डू देती जा रही, फिर गुड्डू ने ईशु को भी दे दिया था, बाद में इनको देने के बाद फिर हम दोनों माँ बेटी ने भी खा लिया था खाना, और भाई कह रहा था कि खाना बहुत टेस्टी बन रहा, दाल भी बहुत अच्छी बन रही है, और सच में अच्छी बन रही थी, और ये दोनों चीजें पसंद है, और इसको ना जैसा कुछ हैवी चीजें जैसा पनीर बनाते हैं छोले बनाते हैं ये कुछ इतने पसंद नहीं है, यही चीजें दाल शिमला मिर्च बैंगन की सब्जी ये ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं यही बनाती हूँ ज्यादातर जब भी आता है, और पनीर तो ये बिल्कुल भी नहीं खाता, तो फिर जो भी खाता है मतलब जो भी खुश होके खाते हैं तो उसी हिसाब से मैं बना देती हूँ, अच्छा भी लगता है अपने आप को हम किसी के लिए बनाते हैं, मतलब उसकी पसंद की चीजें तो बनाएंगे तो वो भी खुश होके खा लेगा, और अपने आप को भी अच्छा लगता है कि हमने चलो बनाया,
तो कभी कभी ये मौका मिलता है, ये तो यानी कि रोज रहता है वो मेरे पास। और अभी ये काम भी बाहरी मतलब दिल्ली करता है जॉब, तो वहीं से ही घर आया हुआ था 2-3 दिन पहले। तो बस इसको मन करा होगा कि चलो मिल जाऊँ। मैं बोल भी रही थी, मैं कहा भाई आजा, कह रहा था कि आऊंगा, और काफी दिन हो गए। तो बस अचानक से इसका मन करा होगा चलो मिल जाता हूँ अपनी बहनों से, तो यहाँ मिलने के लिए आ गया था। तो जी हाँ, बस खाना चल रहा है सबका। तो खाना सबने खा लिया, मैंने भी खा लिया। अब बस अपना किचन में आ गई हूँ, किचन का समेट लूंगी काम। और ये बर्तन वगैरह मैंने सारे खाली कर दिए, इकट्ठे कर दिए। अब इधर रख दिया है मैंने दूध करने के लिए। दूध वही मैं शाम के टाइम हल्दी वाला ही करती हूँ, हल्दी डाल के रख दिया है इसमें। और इधर पानी भी कर दिया गर्म, ये बोतल भर के। वही इसका ये वाली ड्यूटी मेरी बार बार की होती है, 3-4 बार मैं दिन में भर देती हूँ इसको, और रात को भी भर के रख देती हूँ। बस जो भी लेता है इसमें से गर्म ले लेगा, और ठंडा आरओ में से मिला के मिक्स करके पी लेते हैं। तो यहाँ देखिए गैस वगैरह की सफाई होगी। अब बस जब तक दूध पकेगा तब तक मैं अपने बर्तन वगैरह भी कर लूंगी इधर, तो दोनों काम मेरे साथ साथ हो जाएंगे। और काम करके बस फिर आराम से बैठेंगे थोड़ी देर, सब बातें करेंगे। और जब कोई आता है, आपको पता ही है, तो बातें तो ढेर सारी होती हैं पूरी। और वही अपना जब अपने घर के आते हैं, अपने बहन भाई सब मिलके बैठते हैं, तो पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो जाता है। तो बस खाना खुना खा के हम थोड़ी देर बैठे, ज्यादा नहीं बैठे क्योंकि भाई थक रहा था। अपना खेत का मतलब घर का काम भी करा होगा, फिर आने में सफर में थोड़ा सा थक जाते हैं। तो बस मैंने फिर दूध दाद दे दिया था सबको, इन्होंने बिस्तरे वगैरह लगा दिए थे जब तक मैंने बर्तन करे। तो इसी तरीके से मिलजुल के हो गया है हमारा काम। तो यहाँ बर्तन मैं धो दूंगी, और बस अब वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।